कच्चे तेल में बढ़त और जियोपॉलिटिकल टेंशन के वजह से भारतीय बाजार में थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है। जैसा कि निफ्टी को हम देख सकते हैं अपने 11,000 साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और शुरुआती तौर पे निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली थी। सो इसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो 10,950 के पुट ऑप्शन पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिला है। उसके बाद 10,800 के पुट ऑप्शन पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन काफी देखने को मिला है। यही ऊपरी स्तरों पे 11,100 के लेवल के कॉल ऑप्शन पे थोड़ी ओपन इंटरेस्ट की एडिशन देखने को मिली है। सो आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी का रेंज 10,950 से लेकर के 11,100 का हो सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी अप्रॉक्सीमेटली 27,900 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और इमीडिएट बेसिस पे 27,700 इसका एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पे 28,200 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आज की अगर बात करें तो आज अधिकतर सेक्टर्स में सेल ऑफ देखने को मिला है। स्पेसिफिकली बात करें तो OMC काउंटर में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है, लगभग 5 से 6% नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं OMC काउंटर। वहीं जो काउंटर स्टैटिक ट्रेड देखने को मिल रहा है FMCG काउंटर है, जिसमें अभी भी एक स्टैटिक मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो आने वाले कुछ दिनों में हमें ऐसे ही सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो इस डेटा के हिसाब से इट्स बेटर कि हम अभी सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं।